सत श्री अकाल जी सारे नूं, वेलकम बैक टू माई चैनल कनेडियन अव्यू पंजाब। अज जी कैनेडा च फिर स्नो पै गई आ, मैं क्या चलो अज तुहानूं दिखाउने आ बाहर का माहौल किवें आ। वैसे भी थोड़ा ना गल्लां करनियां सी, मैं क्या चलो अज का वैदर वधिया गल्लां करन लई वी ते बाहरले व्यू लई वी, ते आ जो आपां चलदे तुहानूं दिखाउने आ जी बाहर का व्यू ते स्नो देख लो गड्डियां उपर किवें पै गई। वैदर कंडीशनस कैनेडा च जी कुछ नहीं पता लगता कदों किवें दीआं हो जांदियां ने, बाकी आ वी अज हवा बहुत चलदी आ, मौसम भी बहुत वधिया पर ठंडा मौसम आ नज़ारेदार। तुसीं देख सकते हो बाहर रोडां दे उपर स्नो ही स्नो होगी। तो बाकी थोड़े नाल अज एक जरूरी गल भी करनी है, वो गल करनी बहुत जरूरी है जी, क्योंकि कैनेडा च नाल दी नाल चेंजेस काफ़ी आई जाते हैं, रूल काफ़ी चेंज हो जाते हैं, उन्होंने रूलों की गल करते हैं आप। अज वीडियो बनाने का मकसद यही सी, अज मैं चलो नाले बाहरला माहौल वधिया नाले भी आपां तुहानूं इनफॉर्मेशन दिंदे आ, बाहरले व्यू देखो तुहानूं बाहरले व्यू भी दिखाउणा मैं। पिछे स्कूल आ जी अपने, स्कूल की ग्राउंड आ नाल, उन्हें ग्राउंड में पार्क बनाया हुआ बैठने को, हट बनाई है पिछे जी, जस्ट जिवें कह लो वधिया भी लगती, बाकी थले बेंच बुंच पए ने तुसीं आराम नाल बैठ सकते अपना। गर्मियों बहुत वधिया हुंदा जी इत्थे, आराम नाल बजुर्ग आके बैठते गल्लां बातां मारते बच्चे खेलते हैं। जे तुसीं थोड़ा मैं दिखाउणा रुको, ये रातों रात स्नो इन्नी पै गई है जी कि इन्हें ठंड इन्नी करती कि बंदा सोच भी नहीं सकता सी, कल इन्नी ठंड नहीं सी, कल मीह पै रहा सी, मीह नाल इन्नी ठंड नहीं सी, पर जिहड़ी अज स्नो पै गई जी इन्हें नज़ारा ही लियाता जी। और देखो तुसीं स्कूल लग्या होया, बच्चे स्नो च खेल रहे हैं, हवा इन्नी ठंडी चल रही है जी कि काम चलदा पूरा। आही नज़ारे ने जी कैनेडा दे कि कुदरत नाल बंदा कुदरत नूं बहुत निडे हो के देखदा जी इत्थे। बाकी आज थोड़े नाल गल करदे हां जी, आपां इनफॉर्मेशन जिहड़ी आपां तुहानूं देनी है जी अज्ज। 2023 दे विच जी कैनेडा गवर्नमेंट ने काफ़ी चेंजेस लियांदे जी, काफ़ी रूल चेंज करते उन्होंने, जिहड़े 5 रूल हैगे जी। पहला तो गल करते जी आप ट्रैकिंग की, तो बसा की इन्हों ने कैनेडा गवर्नमेंट ने ट्रक के बसों के चेंज लिया जी, काफ़ी रूल के चेंज लिया, क्योंकि जी ट्रैकिंग इतने सारी कारपोरेशन तो चल रही थी। कैनेडा गवर्नमेंट इस चीज़ का काफ़ी टाइम तो गल कर रही है भी जी ट्रैकिंग वो कारपोरेशन से किमें चल सकती है, उस चीज़ को ठीक करने लिए उन्होंने ये जरा चेंजस लिया है जी। सैकेंड हैगा जी अपना हायर पेरोल डिडक्शन, इन्होंने हायर पेरोल डिडक्शन हमने हम लोगों को अपनी जिम्मे कह लो पे के ज़्यादा डिडक्शन करवानी पै करनी है। थर्ड हैगा जी इन्हों का जो चेंज इन्होंने लिया जी, वो हैगा जी भी 2 साल का बैन लाता इन्होंने, फॉरनर जोड़े है वो कैनेडा के घर नहीं लै सकते, 2 साल का बैन लाता पहला, क्योंकि बाहर बैठे लोग जिम्मे किसी भी कंट्री बैठे हैं लोग घर लै लेंगे जी, पर इतने घर इन्ने महंगे हो चुके हैं। ठंड हो हवा एकदम इन्नी चली जी कि बोल नहीं हो रहा जी, मैं चुप करना पिया, हवा अज इन्नी ज़्यादा ना जी कि दस नहीं सकते। वैसे तुम महसूस कर सकते हो मेरे जी जैकेट पाई है जी, ये जी उपरों फ्लरी जी लगी है, की है ये फर्जी लगी है, तुसीं इत्थों जज कर सकते हो भी कितनी हवा चल रही है बाहर। जिहड़ा आप रूल चेंज की गल कर रहे आप जी वीडियो बनाने बैठ के कितने हुण बन नहीं रही क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल पई जी, बोले नहीं जा रहा सी, इस करके आप वीडियो रुक के बनाने जब तक आप कुदरत नज़ारे शूट कर लैने। पर देख लो ठंड इतने इन्नी पैंदी है जी कि जिंदगी नहीं रुकती, जिंदगी चली जाती है, लोग कम्मां ते जाई जांदे ने, गड्डियां चली जांदियां ने, स्नो नाल दी नाल साफ हो जाती है, वो चीज़ की कह लो इतने कभी दिक्कत नहीं आती क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी अवेयर इतने, उन्होंने पता भी इतने मौसम इन्ना ठंडा हो जाता, अकॉर्डिंग इन्होंने सारिया फैसिलिटियां सब फैसिलिटियां दिंदे ने लोगों को, क्योंकि आप टैक्स पे करते हैं जी, सारा कुछ टैक्स जो पे करते हैं, वो टैक्स पे करने के नाल ही हर चीज़ में मैनेज करते हैं।
ਬਾਹਰ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 5 ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ 5 ਰੂਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ? ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਾਇਰ ਪੇਰੋਲ ਡਿਡਕਸ਼ਨ, ਸੈਕੰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਓਪਰੇਟ ਬੱਸ ਐਂਡ ਟਰੱਕ, ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਫੈਡਰਲ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਜੀ 2 ਈਅਰ ਦਾ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫਿਫਥ ਹੈਗਾ ਜੀ ਫਸਟ ਐਨੂਅਲ TFSA ਲਿਸਟ 2019। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੈਨ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਾਏ ਬਾਏ।